हेलो मेरे व्यूर्स, कैसे हो आप? आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी। देखो ये मेरे खड़े मसाले हैं, तो इसमें मैं सबसे पहले ऑयल डाल लूँगी। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैं वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कनोला। इसमें सबसे पहले हम हींग डालेंगे। उसके बाद ये वाले खड़े मसाले चले जाएंगे। अब इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच जीरा, ठीक है जी। ये हल्के से क्रैकर होने लग गए हैं। हम ये कुटी हुई जो है धनिया, ये डाल दूंगी। अब मेरा खड़े मसाले मेरे भुन चुके हैं। अब इसमें मैं पेस्ट डालूंगी अदरक लहसुन और प्याज की। इसको हल्के पिंक कलर तक मैं भूनूंगी। इसको काफी अच्छा इसका कलर आ गया है मसाले का। इस स्टेज में आके अब मैं हल्दी पाउडर डाल दूंगी, नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च मैं बाद में डालूंगी, अभी चॉप नहीं की मैंने, तो मैं भी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ी सी सुन और गरम मसाला। ये घर का बना हुआ है, अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप बताना। इसको अच्छी तरह से अब ब्राउन कर लेंगे और तो हल्दी को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मेरे फ्रेंड्स देखो, मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल भी इसका थोड़ा सा अलग हो गया। अब इस स्टेज में आके मैं थोड़ा सा ना क्रश टमाटोज होते हैं ना, मैं उसकी एक कड़छी डालूंगी। उससे क्या होता है कि कड़ी है ना जो पीले पीली नहीं बनती, ठीक है। बस यही एक रीज़न है कि मैं टमाटो यूज़ करती हूँ। टमाटो पेस्ट नहीं है, प्यूरी है टमाटर की। इसको अच्छी तरह से हिला के तो अब ये रेडी है। इसमें बेसन और जो मैंने छाछ बना के रखी हुई है, ये देखिए, तो मैंने पहले ही घोल बना के रख लिया था। अब इसको मैं इसमें पोर कर दूंगी। अच्छी तरह से हिला के और इसमें अब जाएगा पानी। पानी मैं इसमें बॉयल वाटर यूज करती हूँ। जब भी मैं अपनी कढ़ी बनाती हूँ, जब मुझे पानी ऐड करना होता है, तो मैं हमेशा बॉयल वाटर ही यूज करती हूँ। उससे क्या होता है, कढ़ी जल्दी भी बन जाती है और उबलने का भी डर नहीं रहता। कड़छी इसके बीच में ही रहने दूंगी, नहीं तो कड़ी बाहर आ जाएगी, ठीक है जी। आसान है लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो उबलने तक फिर मिलती हूँ मैं आपको, और दूसरी तरफ मैं पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है जी। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं। कढ़ी देखो हमारी बहुत अच्छे तरीके से, इसको उबाली आ गई है।
इसको मैं अब कम से कम एक घंटे से पहले इसको मैं बंद नहीं करूँगी। और इसको अब एक दफ़ा उबाली आ गई है, अब इसके बाद मैं इसको लो कर दूँगी, मीडियम लो, ताकि ये हमारी कढ़ी धीरे धीरे बनती रहे। ये मेरी कढ़ी अब तैयार है। अब इस स्टेज में आके ना मैं इसमें सूखी मेथी और हरी मिर्च डाल दूंगी। अगर आपके पास हरी मेथी है आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन वो आप जब कढ़ी रिचने वाली होती है तब डाल सकते हो, या हाफ कुक हो जाए तब डालते हो। मैं सूखी मेथी पसंद करती हूँ अपनी कढ़ी में, तो इसलिए मैंने सूखी मेथी इसमें ऐड कर दी है। तो मेरी देखो कढ़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसको इसमें मैं आप पकौड़े ऐड करती हूँ। तो मैं आप कढ़ी के लिए पकौड़े बना रही हूँ। प्याज और आलू ही हैं इसमें, और सभी मसाले डाले हैं मैंने। इस तरह से मैं इसमें सभी मैंने नून, मिर्च मसाला, थोड़ी सी हल्दी, सूखी मेथी एंड धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है, क्योंकि कढ़ी थोड़ी सी बह करती है उसकी वजह से। मैंने जैसे ये रेडी होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म पकौड़े बनकर हो गई हैं तैयार। अब मैं इनको कढ़ी में डाल दूंगी, ठीक है। तो अभी ये रेडी नहीं हुई कढ़ी, अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इन पकौड़ों को मैं कढ़ी के बीच में ही रहने दूंगी। उसके बाद ही मैं इसको मैं आज राइस के साथ सर्व करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरफ राइस बन रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको वेटिंग करके। तो लो जी, मैंने सर्व कर दिया है राइस के साथ आज की पंजाबी स्टाइल हमारी कढ़ी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। एंड अगली वीडियो तक अब आप सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, रब रखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।